हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ब्यूटीफुल सा वैलेंटाइन डे मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। जो लोग मनाते हैं वैलेंटाइन डे, उन सब के लिए हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो मैं कुछ मनाती नहीं हूँ वैलेंटाइंस डे, बट आपके साथ बहुत ही अच्छा सा एक मेकअप लुक शेयर करूँगी। एंड आपके साथ तो सभी लोग मेकअप करते हैं एंड रेड ड्रेस पहनते हैं, बट इस बार मैंने पहना है ये ब्यूटीफुल सा कफ्तान ड्रेस जो कि ब्लैक कलर का है। इसे मैंने मीशो से परचेज किया था। तो स्टार्टिंग वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब की, क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी जरूर कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट आई एम स्टार्ट विथ मॉइस्चराइजर, जो कि मैंने लिया है पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर। ये लाइट जेल मॉइस्चराइजर है जो कि आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का एलिमिनेटर मेकअप बेस, क्योंकि थोड़ा सा तो ग्लो बनता है वैलेंटाइन डे पर। तो अगर आप नेचुरली ग्लो करना चाहते हो तो आप इस मेकअप बेस को ट्राई कीजिएगा, स्विस ब्यूटी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल आता है एंड ब्लेंड करने पर आप इसका ग्लो देख सकते हो ऑन माय फेस। एक अच्छा सा ग्लो आपको मिलता है, यू कैन सी। तो मुझे तो ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है और मेकअप के अंडरनीथ ये काफ़ी प्यारा लुक आपको मिलता है। सो यहाँ पर मैंने एलिमिनेटर मेकअप बेस अप्लाई कर लिया है। फॉर फाउंडेशन आई एम गोइंग टू यूज़ दिस L18 का लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन, जो कि जस्ट 100 रुपीज़ का आता है। तो इसे हम अच्छे से शेक करेंगे और मैं हल्का सा थोड़ी सी क्वांटिटी में अप्लाई करूँगी, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। तो मैं इसे मैं अपने बैक ऑफ में हैंड पर ले लूँगी, अच्छे से डॉट डॉट कर कर लगाऊँगी एंड ये आपको लो टू मीडियम कवरेज प्रोवाइड करता है। तो डेली बेसिस में आप इस फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही मैं यहाँ पर ये ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी, जो कि मैंने इसे पानी में डिप कर लिया है। डैम ब्यूटी ब्लेंडर आपको लेना है और इस तरह से डैप डैप करना है एंड एज यू कैन सी कि ये आपको लो टू मीडियम कवरेज प्रोवाइड करता है। तो इसे हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आई एम सो सॉरी अगर आपको थोड़ी सी भी बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो, क्योंकि बाहर बच्चे खेल रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। कंसीलर के लिए कॉस्मेटिक कंसीलर, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट कंसीलर है एंड ये आपको हाई कवरेज प्रोवाइड करता है। तो इसे मैं लगा लूँगी अंडर आइज पर एंड आईलिड पर, थोड़ा सा यहाँ पर एंड जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है वहाँ पर लगा लूँगी एंड दैट्स इट। उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम डैप डैप करते हुए ब्लेंड कर लेंगे लाइक सो। ब्लेंड कर लिया है एंड मेरा जो फेस है काफ़ी अच्छे से इवन लग रहा है। तो इसे हम सेट करेंगे ये लैक्मे के कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से और ये है नेचुरल पर्ल। तो मैं एक ब्रश की हेल्प से सेट करूंगी। उसके बाद मैंने लिया है ये मार्स का 3-in-1 ब्लशर एंड हाइलाइटर पैलेट। इसमें से मैं ये वाला शेड लेकर हल्की सी कॉन्टोरिंग करूँगी अपने फेस की। ये वाला शेड ले लूंगी और अपने एपल ऑफ माय चिक्स पर अप्लाई करूंगी। ऐसा सा कोरल शेड है एंड लुक एट द शाइन। और यहाँ पर आप इसकी पिगमेंटेशन देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हाई पिगमेंटेड है और इस तरह से ये कोरल कलर का ब्लश मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड हल्का सा नोज पे। देन उसके बाद ये सेम पैलेट में से ये वाला हाईलाइटर शेड लेकर पूरा मैं फेस पर हाईलाइट लगाऊंगी यहाँ पर। सो एज यू कैन सी हमारा बेस मेकअप काफी अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तो हम मूव ऑन करते हैं आईज मेकअप पर। एडेनवाइल का ये आईब्रो किट लूंगी जो कि बहुत ही अच्छा है, इसको फिल करूंगी क्योंकि मेरे जो ब्रॉज है नेचुरली डार्क ब्लैक में है। ब्लैक स्मोकी आई, तो उसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये L18 का आई ड्रामा काजल, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्ट है। तो बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताऊँगी कि
कि किस तरह से आप स्मोकी आई लुक कर सकते हो। तो जस्ट रैंडमली यहाँ पर इस तरह से मैं काजल को अप्लाई कर लूँगी लाइक सो। क्रीज तक नहीं जाना है आपको, जस्ट ऐसे ही अप्लाई करना है। देन उसके बाद कोई भी इस तरह से एक ब्रश ले लें और उसके बाद अच्छे से मैं से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आई मेकअप में, एंड स्पेशली जब आप स्मोकी आई मेकअप लुक करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से टाइम देकर ब्लेंड करना है। एंड ये काजल जो है काफ़ी जल्दी से ड्राई हो जाता है, तो आपको जल्दी जल्दी से ब्लेंड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ आईज को सेट करने के लिए। इसके बाद मैंने ये वाला ऑरेंजी शेड लिया है स्विस ब्यूटी के ये वाले आई शेडो पैलेट में से। सारे कलर्स को आपस में अच्छे से ब्लेंड करना होगा। बैक डार्क ब्राउन शेड को मैं आईलिड पर लगाकर थोड़ा सा कलर। सो यहाँ पर हमारा स्मोकी आई डन है, तो मैं नीचे लोअर लैश लाइन पर भी सेम काजल को अप्लाई करूंगी एंड इसे हम ब्राउन शेड से ब्लेंड कर लेंगे। तो मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है, इसकी हेल्प से मैं इसे स्मज कर लूंगी तो हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको इस तरह से मेरा ये वाला आई लुक पसंद आ रहा होगा। मैंने आई लैशेस अप्लाई कर लिए हैं, तो यहाँ पर सेम हाइलाइटर शेड को लेकर मैं इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूंगी एंड अपने आईब्रो बोन को हाईलाइट करूंगी। इनसेट कॉस्मेटिक का मेकअप सेटिंग स्प्रे जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है अफोर्डेबल प्राइस में। तो मैंने मस्कारा लगाना भूल गई थी, तो फिर मस्कारा के लिए मैंने मार्स का मस्कारा लिया है, तो इसे हम लगाएंगे अपर एंड लोअर लैशेस पर। इसके ये कैलोलेस की आईलैशेस हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी हैं। एडियस का लिप लाइनर लिया है, इससे मैं अपने लिप्स को आउटलाइन करूंगी। बाय सनी लियोनी लिपस्टिक यूज करूंगी एंड ये है ब्यूटीफुल सा चेरी बॉम 03 शेड जो कि बहुत ही प्यारा सा रेड शेड है। एज यू कैन सी बहुत ही प्यारा सा रेड शेड है। बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा शेड है और ये मुझे पीआर में रिसीव हुआ था विथ माय मेकअप। तो जल्दी से मैं एक्सेसराइज कर आपसे मिलती हूँ। दिस इज माय फाइनल लुक यू गाइस। मैंने एक्सेसराइज किया है ये बहुत ही प्यारे से बिग इयररिंग के साथ एंड हेयर स्टाइल के लिए मैंने यहाँ पर साइड पार्टीशन कर इस तरह से ट्विस्ट कर टक कर लिया है एंड फ्रंट में ओपन हेयर्स रखे हैं एंड लुक एट माय होल लुक। इस वीडियो आई होप कि आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। अगर आप इस मेकअप को नाइट टाइम में वैलेंटाइन डे पर कैरी इजीली कर सकते हो क्योंकि मैंने किया है ब्यूटीफुल सा ब्लैक स्मोकी आई विद रेड बोल्ड रेड लिप्स जो कि नाइट आउट के लिए बहुत ही बढ़िया सा मेकअप है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ट्राई करते हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर आकर बताइएगा एंड आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक्स मिल जाएंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मुझे टैग जरूर कीजिएगा अगर आप इस मेकअप को रिक्रिएट करते हो। तो बहुत ही मिनिमल से प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं एंड बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताया है इस वाले लुक को, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अनदर वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।